ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी की क्या चीज का कमी है जो कि किसी किला में तुम्हें शादी क्यों नहीं दसवाते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिताजी सभा का चोर है, जात के काटे हुए हैं। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि देवी माँ का ही कृपा है कि मैं आपसे विवाह करूँ, आपका तिरिया बनू और राजमहबा का पटरानी बनू। ऐसा सोच करके राज सोनगर से इस जंगल में आई है। हाँ, एक बात कह देता हूँ कि हमारे मुख से नहीं निकल गया है तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बड़ी बड़ाई सुनी हूँ राज मोहब्बे का कि छोटा से लेकर जो होश संभाल लेता है वो वीर पहलवान निकलता है, लेकिन वीर पहलवान ना आज हमारा पता चल गया कि सबसे हम लगे कि छाते सुनो अपने मुखों में लगाम लगा करके बोला करो। अरे जा तू बात कर लाइक ना राम राम जा। सुनो आखनिया मेरा में केरो से कदम के का हो ही तुरंत चालू अरे तू हा अब हम हमरा बारे में कह दे रहे तू करू वाले पानी हाय को पानी देखने के लिए चाहती है। हाँ करू वाले पानी हमर राज चाहती है। हाँ तो सुन लो करवई परे ममा रानी आजी तोरे संघवाने अब मान गईलन, अब मान गईलन, अब हमार दिल के अरमान पूरा हो जाए। चाहती है। हाँ ये बतलाओ कि प्रेम प्यार कितना दिन के करने के लिए चाहती है, एक दिन के लिए कि सारा जिंदगी के लिए? सात जन्मों के लिए। सात जन्मों के लिए? हाँ रानी, एक बार जो बंधन टूट जाए वो टूट ना हो। ठीक है, तुम्हारे साथ में ए उदयचंद प्रेम करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, जब आप प्रेम करने के लिए तैयार है मैं भी प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए इस घना घोर जंगल में अब प्रेम प्यार भोग व्यास किया जाए। ठीक है, हेलो ठीक, हेलो तिरसठ
हे स्वामी पधारिए। आप फूल के घर है, अरे जे मिले चटाइयां तो चटाइयां पर रगड़। अरे जंगल है, वन है, इस वन में बहुत फूल गिरता है, वही फूल चुन करके लाओ और सेज के लगा दो। फूल के सुनरिया लगाएगा अब घन घो आई जंगलवा भला। आराम कर लेता हूँ, आराम करके किसी वन में शिकार करने के लिए जाऊंगा। ठीक है बहादुर, तुम रास बिंदु लेकर के आगे बढ़ो, से आ रहा हूँ। बस जाओ हाई ला दरबान प्रसाद ला। महारानी तुम्हारे कहने पर मैं जो तुम कही वो मैं मानने के लिए तैयार हो गया। हाँ स्वामी, अब तुम्हारे हिसाब तो प्रेम मोहब्बत हो गया। ए बात बतलाओ राने, तू इसी जगह से लौट करके अपने राज चला जाओ। मैं आगे जा रहा हूँ वन में शिकार करने के लिए, शिकार करके लौटूंगा तो
राज सोनागर से डोला फना करके राज महबिया बस खींचूंगा। लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप वापस आइएगा? तुम कहने के लिए क्या चाहती है? मैं कहने के लिए चाहती हूँ कि इस घना घोर जंगल में प्रेम प्यार भोग विलास हुआ, अब इसी जगह से हमें अपना पटरानी बनाकर राज महबिया लीजिए। रानी अभी मैं वन में निकला हूँ शिकार करने के लिए, मैं शिकार करके लौटूंगा तो पटरानी बना करके राज महबिया बस निकलूंगा। आप भूलेंगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, खुशी रहो। रानी जाने से पहले, हे स्वामी लेकिन ये बताइए, आप जा तो रहे हैं लेकिन आप अपना परिचय तो बता दिए लेकिन अपना परिवार का भी परिचय बताए तो अच्छा। हमें परिचय और पता जानने के लिए चाहती है कि आपको परिवार कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ ठीक है, पहला परिवार हमें राज बनारस में है, पहला परिवार राज बनारस में है जिनको नाम ताला सैयद हुआ, दूसरा परिवार हमें राज सिरसा में हुए जहाँ के मेरे भाई बिरबल खान हुए, तीसरा परिवार हमें राज पियरिया में है जहाँ के मेरे भाई देवा पंडित भगवान, चौथा परिवार रानी देखो राज महबिया के आल्हा सरदार के भाई उदय चंद्र सामने खड़े। ठीक है स्वामी, इतना पता बहुत काफी है, वो वहां जाने के लिए इसलिए पूछी हूँ कि आप कल नहीं आइएगा तो मैं आपको घर पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं रानी, मैं अवश्य पहुंचूंगा। ठीक है ठीक है, जाओ। ये नटवर गढ़ है, यहाँ के मैंने दो बहन हूँ, मेरे पिताजी को नाम नटवर खलीफा है, दोनों बहन के नाम सुगिया फुलिया है। अगे बहनी सुगिया बहनी फुलिया तोर मायकवा का होलोगे? ई बता पहले कि तू दिनवा के दिनवा काहे सुतह जा देगे, रातवा के रात सगर जगले रख के कर इंतजार में रहे हैं? आगे गोदेला
खड़ा है ना बोली मारे बाप। अगे बहिना झोली ले लेना है गे, अरे चल गे, अरे चल के कोई गांव जेवार में जाके गोदना गोदेवी गे, अरे चल फातू वहां में गे गोदना गोदेवी के पैसा लेके दारू और पीवे के मन कराओगे। किया शिकार नहीं मिल पाया। अब चलो उत्तराखंड में शिकार करता हूं महाराज। शिकार नहीं मिला तो चलिए उत्तराखंड में, चलो आई चलो। तोरा देखा दे हो तोरा दुख की ना का तोरा नानी के बाप रे दुर्भा ये बतावा था। अरे दो दो वो लड़की है मैं कह दूँ ए आदर के साथ, आदर के साथ उठाना। अरे बाबा, अरे बाप, अगर मैया सुनिए, अगर मैं गोलवा टूट गए, गोलवा टूट गए, ये बतावा कि हमने के जाननी लड़की देख के तो सब धक्का मारी था। सुनी सुनी धक्का तो तू मार देने हमरा सबके। कैसे हम धक्का मार देने आ कैसे तोरा राउंड साइड चले के हो हमरा बाया तोरा बाया हमरा राउंड साइड चले के है। ए हम तो समझ गए नहीं कि जे धरती पर बढ़िया बढ़िया आदमी चले अच्छा लगा कि पक्का जैसे ये कौन गांव है डुमरी जैसे कि देखा कुल ले कौन कैसे कर रहे हैं। अच्छा वैसे तू पक्का लगा लफुआ डुमरी है जैसा। सुनो हमारा बुझाता है कि डुमरी के लोग ठीक है, लड़की लोग जो आती है बाहर से हाँ अच्छा वो खराब है। ये बतावा तू इंसान ही का कि कमीना। क्या बोला तू इंसान ही का कि कमीना। हाँ मैं इंसान इंसान हाँ घड़ी में टाइम देखिए इतना रात के रोड पर निकल गई है। अगर चाहे इंसान लड़की ना रहती तो ये रोड पर नहीं निकलती। इंसान है इसका चेहरा बताती है। अजय चुप रहा सुनिए सुनिए अब बहुत हमारे द्वारपाल है द्वारपाल हमारे द्वारपाल को साथ आप बहुत मुंह लगा रहे हैं। आप धक्का मारने वाले मेरे कौन है सुन लीजिए अभी है पक्का तोड़ दो माने
कि हम लोग इंसान घर के हैं। जो लड़की इंसान रहती है वो घना घोर जंगल में कभी नहीं जाती है। शेखर आके हाल लिया। जो लड़की इंसान रहती है वो घना घोर जंगल में कभी नहीं जाती है। शेखर आके हाल लिया। यही बात तो हमको भी आता है महाराज कि भाषा कौन भाषा बोलती है, जाति कौन है, क्या है नहीं। अरे बहिना काकरी मगे इरादा से पूछ दे हमरा को बात के काकरी मरा लगे। ए राजा को बात बोलूं कौन ऐसी बात है। सुनी राजा सुनी सुनी सुनावे धाई राजा का ये ने भाई बा का भाई से भरा बे ना का करे ना है क्या हम सब जात के बुझाओ नटिन हो मालिक भाई से लेके आए मालिक। बताओ कि तुम लोगों के इस राज में मकान है, क्या नाम है वो मैं जानने के लिए चाहता हूँ। ठीक है सुनी मालिक सुना देता है। मेरी मकान नटवरगढ़ में रहे मालिक। अच्छा पिताजी के नाम नटवर खलीफा रहे, दोनों बहन के नाम सुगिया और फुलिया कहे। जात के मैंने दोनों नाटिन हूँ मालिक। तुम लोग जात का नाटिन है। हाँ इस वन में क्या करने के लिए आई है। इस वन में मैंने खेलने और कुदकने के लिए आई। राम राम मालिक एकरा मुंह से दूर से बात करियो। अच्छा ठीक है सुनिए आपको किस किला में मकान है और क्या पिताजी का नाम है और क्या सुंदर बदन के क्या नाम है। हमें मकान राजमहुआ में पड़ता है। पिताजी को नाम दक्षराज, बड़े भैया जी को नाम आल्हा सरदार, हमारा नाम लोग उदय तो कहते पुकार करते हैं। अरे बहना इराजा लगाओगे इरा से तो शादी कर मेगे। बहादुर चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ो। चलो शादी करिए भाई। जोकर हवा से करबू नौकर हवा से देखे में कितना चिनकटा लगे होंगे। बातें बोलो है मालिक के शादी फादी के खिस्सा न कर। सुनी सुनी मालिक सुनी बता दे भाई दरबार क्या बात है कि जिस जिस खाने में जाता हूँ तो खाली आज लड़की पर नजर आ रहा है। आज जोतरे खराब बुझाते आज देखा के
राजन जी, आपके सूरत देख के लगता है कि मुझे दिल में बास कर गई है। हाँ, क्या कहने के लिए चाहती है? आपको सूरत मैंने देखी हूँ दोनों बहन, तो लगता है कि कभी आपसे प्यार कर लूँ। सुनो सुनो, थे जात का नटी है। हाँ, मैं जात का राजपूत हूँ। ठीक, तुम्हारे साथ में प्रेम मोहब्बत करूँ? नहीं, चल। धारणी सुनला आज उदय चनक रम्यान। अच्छा, छतरी धर्म धारणी हमारा नाश हो गई गई। जात और पर जात नहीं देखा जाता। प्रेम ऐसा रोग है कि जात पात चिन्हा नहीं जाती है। इसमें आपको साथ दोनों बहन को साथ प्रेम प्यार कभी नहीं करूंगा। कन्हैया की जगह नहीं लौट कर सुन लीजिए, सुन लीजिए। प्यारी में लगा दी मैं तू।
रास्ते से आप लोग आए हैं उसी रास्ते से पकड़ के आप लोग लौट जाइए। कैसी बात है? हाँ सुन लीजिए राजा साहब। लड़की जे जवया बैरा जनट पर गवा में। अच्छा नटवर घर में पधार देते हैं ये सुगिया फुलिया को जो पसीन पर जाता है उसको जाने नहीं देते। अच्छा आज लौटी के ना गेला आज महालिया के रा मान मोर कहा नमाजी राजा राजा ना मानतोगे अब जादू का डिब्बा निकाल आई राजा का तो नटवर घर से पार हो दे कौन रास्ता से चलो चलो। ए लड़की तुम नहीं जानती संसार में जादू 12 डिब्बा जानते हैं लेकिन हमारे घर में मेरे भाभी को सोना को पास खुद ही 13 डिब्बा जादू है। ऐसा बात? हाँ द्वारपाल ऐसे से डराना नहीं है चलो आगे को बढ़ो चलो चला बढ़ो चली राजा चली। राजा के तो जादू मार के भेड़ा बना दिल गए और नौकरवा के बुलाने के गाधी बना बही गए देख ही गाते का तला का भाग खा के ई छिछी आईली खाली रहे भतार के चक्कर में आगे तोरा जुगु कितना बार यहां आलू के चिकन चकन डाल लूंगे। आगे तेगा तलवार पकड़ पहले आई चल ले जा आशीष नाटवार घर में ले चल आ दिन के दिन भेड़ा बनाई है रात के मनुष्य बना के दोनों साथे सुतई है एकरा 5 दिन में धोधा पचका के मियाद स्थिर कर दे चला डर खुशी रहो। क्या बात है बलखिनी आपकी जो पत्नी हुई वाइफ हुई वो कल हमको बोली थी कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ इसलिए मैं आपको बुलाई तो आप अपने वाइफ के मतलब काम तो कीजिएगा। कहिए कहिए क्या करना है? थोड़ा पानी भर दीजिए और इस आंगन को बहार दीजिए। आए बलखिनी
एगो बात कहियो। क्या धर्म? तोरा कोई तकलीफ है मलकिने? नहीं। अच्छा ये बताबो, देहिया कैसे भारी होल है मलकिने? आए मलकिने, जो मैं तुमको बोली हूँ वो करो, बाहर बाहर दियो। हाँ ज्यादा सवाल मत। पानी भर दिया बल्कि ने, पानी भी सब भर दिया। ठीक है, लेकिन एकर जो देह पूजा है इसे हमरा समझ में ना आवे। बात तो जाके हम मालिक से जरूर कहेंगे, एकर देह कैसे भारी हो जाए और सगरो पतला है और पेटे से मोटा हो गया, जाके जरूर हम कहेंगे, एकदम कहेंगे। प्रणाम महाराज, खुश रहो राजरानी, कहो कुशल रंग महल का। महाराज क्या कुशल कहूं, कुशल कहा जाता है नहीं महाराज, क्या कुशल कहा नहीं जाता है। हमको महल में रहते रहते अब लगा कब कचहरी को पास जाए, तो ठीक है कचहरी पर तो आ गया, कोई बात नहीं है, रंग महल का समाचार ठीक है ना दरबानी? समाचार तो ठीक है महाराज, लेकिन है, लेकिन क्या हो गया? लेकिन यही है महाराज, एक से आप बात कहना करना चाहता हूँ, अगर जो जी जान आप पकस दीजिए तो हम आपसे कहें। कौन ऐसी बात कहने के लिए जी जान बकसने के लिए कहते हो राज दरबानी? जब ऐसी बात तूने कहता है तो चलो, तुमको कुछ नहीं करूंगा, कुछ कहना है तो कहो। तोरा जो बेटी हो सुपुत्री देवंती? जी हाँ। तो क्या बात है? ना जाने धीरे धीरे उनकर दहिया मोटा गेल, बेटी तोर चंद्रवती गर्भवती है मालिक जियाज, अपना आँखों से देखा है चंद्रवती के, हेमंती को अपना आँखों से देखा है कि उनका देह में लड़का है। अरे महाराज, ऐसा शब्द तूने राज बंगला पर निकाल दिया, सारी बात झूठे अब जाते कहीं का। महाराज ऐसा शब्द तूने राज बंगला पर निकाल दिया, सारी बात झूठे, सारी बात झूठ। महाराज अगर आ रे जा मरे छोड़ा ले बंदर बनिया।
सही बात बताए एक काम कीजिए, हम तो आपसे कहा है कि जी जान बख्श दीजिए कहेंगे, अब तो हमको जान बचेगा न मालिक, लेकिन एक काम कीजिए, आप चल करके महल में स्वयं अपना आंखों से देख लीजिए। क्या चल कर? हाँ देख लीजिए। तूने सच बात कहते हो? मैं सच बात कह रहा हूँ महाराज, चल कर मैं देख लूँ अपना आंखों से। अगर जो चल कर देखूंगा, अगर जो सत्य बात नहीं होगा, जीते जमगाट पहुंचा दूंगा। महाराज हम आपको सामने खरदर को झुका दूंगा। चल मेरा स्वर का चल चलो चल जवानी पागल देवेंद्री पिताजी चल तूने साइड जाकर के बैठ। हम चल जाए मालिक। इस समय तूने इस भवन से निकलो, उसके बाद मैंने अपना बच्चे से खुद बातें करता हूँ। ठीक है मालिक, जाके बात करो। बेटी देवेंद्री पिताजी कुछ कहना चाहता हूँ, सुनेगी? मैं आपकी लाडली हूँ, आप हमसे ना कहेंगे तो किससे कहेंगे बूढ़ी? सुनो बेटी देवेंद्री, सुनो सुनो। नीत दिन या बहल थी आवाज, बेटी रंगज महलों में महलों में हासत चेहरा बाबे
गया झका है चेहरा के धियापा लगे भवन में आता था, हंसते हंसते तूने बातें करती थी, आज इतनी लुधास रहने का क्या कारण है बेटी? का सुना पिताजी, अभी सुबह का समय है, सोकर उठी हूँ, स्नान धान की नहीं, इसलिए चेहरा उदास है पिताजी। नहीं बेटी, नहीं 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 बेटी देवंती, नहीं आगे दीना दीना देखली के धियावा आगे तोरे बदनु बदानवा था भारी बेटी आगे हो लगे तोहार बेटी बंदी पिताजी बेटी तोरा हो लगे तोहार आगे भेजवा बता तक दिया बागे तुम्हारे शरीर को मैंने बचपन से देखती आ रहा हूँ, इतने दिन में इतना भारी कैसे हो गई तूने बेटी? क्या सुना समन देना पिता क्या रहे ईश्वर के कोई न मरम पिता मरम पिता
बारे को मैं कुछ नहीं जानती पिताजी। क्या तुम कुछ नहीं जानती हो? नहीं पिताजी, तूने कुछ नहीं जानती हो? नहीं कुछ नहीं। आगे झूठे बतिया बोला माग धियावा, आगे मार लगे जय मा। पगड़ी नष्ट हो सारे बात गलती बेटी, सारे बात गलत। क्या गलत तुम नहीं बोलती हो? नहीं। क्या गलत नहीं? कदापि नहीं, मैं झूठ नहीं। आगे बच्चे से आगे पाल ली गथी आवाज सोना जे बढ़ावा। पगड़ी तूने ढुआ कर छोड़ दी। बचपन से तुमको मैंने पाला, बेटी समझता था लेकिन बेटी नहीं। तूने बेटी नहीं, तूने मेरा सर का ताज ढुआ कर रख दिया। बेटी नहीं, आप अपनी जन्म दिए, मैं
मैं आपके साथ गलती नहीं कर सकती, नहीं की पिताजी। आप सास की बात है, अपने तन को जन में देकर अपने हाथों से हत्या करना नहीं। अब इस बेटी को मैंने जला दो के बुलाकर, जला दो के हाथों में मैंने सौंप देता हूँ। और जलाद से कह दूंगा, अरे जलाद ले जाओ इसे जंगल में मार कर आना है। जिनका अगर जो रह जाएगा बाल बच्चे के भपसे में झोंक दूंगा। बुलाता हूँ जलाद को, बता इस समय तूने कहा आदमी को जान मारा था रे? महाराज ऐसा काम तो प्रतिदिन हमको सैकड़ों सैकड़ों मिलता है। अभी तो काट ही रहा था, जान मार रहा था, हत्या कर रहा था, आपको आवाज किया फौरन आ गया। चलो आज मेरा बेटी कौतुम को ले जाना है और जंगल में जाकर टुकड़े टुकड़े कर को खत्म करके आना है। अगर जो जिंदा ए रह गया बाले बच्चों को मैंने भपसी झोंक दूंगा। जिंदा नहीं ना? चलो नहीं पिताजी, अभी पिता तुम्हारा नहीं, अभी पिता नहीं, अन्ना तुमको तुम हमको आज से बेटी रही। अब नहीं चले जाओ। क्या निकला हत्या तो रोज करता हूं। चल
दारू गिरा दे दिया बड़ी खराब आदत है दारू दारू गिरा दिया तू मेरा दंड देना होगा ये घना घोर जंगल है एक काम करो तुम अपना गर्दन नीचे करो आ मेरा खंडर चलेगा क्या बात है मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ क्या कहती हो क्या कहना है सुनाओ जल्दी सुनिए एक गो की मारा भैया आज दुई मारी जाई एक गो के मारा भैया मारी जाइबे जी हाँ मजाब भाई लेकिन प्राण दुख हो जाएगा क्योंकि मैं गर्भवती हूँ तुम गर्भवती हो लेकिन हमें राजा का ऑर्डर है एक का मारने का राजा से ऑर्डर है एक को मारने का अब तो यहां दो मारना पड़ता है और दो मारने में पाप हमको है हमने वादा किया है एक मारने का एक उपाय एक रास्ता है क्या और रास्ता पर अगर से तुम आती हो तो तुम्हारा जान मैं छोड़ देता हूं बोली दस खस्सी का कीमत दस खस्सी का कीमत और दस भट्टी दारू का कीमत तुमसे होगा मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं कैसे जान बचेगा तुमको जान भी छोड़ना है और राजा को जाके और उसे पास पहचान भी देना है हमें आप 5 मिनट का मौका दी मैं भी एक दुख मांग कर आपको दे दूंगी और ऐसा न हो कि हम तुमको छोड़ दूं और तुम इस जगह से निकल जाओ नहीं ऐसा नहीं निकलेगा नहीं निकलू ठीक है तुम जाओ आ तुमको 5 मिनट के रास्ता दिया समय दिया लाओ 5 बोतल दारू की दाताए करा दादा
लीजिए, जो पांच लोग मदद किए वो मैं आपको दे रही हूँ, अब मेरा प्राण को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे प्राण छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम वापस लौट के वहां जा नहीं सकती हो। कभी नहीं जाऊंगा। चलो लाओ लाओ जो है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इस समय मेरे उदर में मीठा मीठा दर्द है, मैं क्या करूं? बाप रे बाप। हे माँ, हे माँ दुर्गे, मैं इस घनाघोर जंगल में गर्भवती पड़ी हूँ माँ, मैं आपको आह्वान करती हूँ माँ, प्रकट हूँ माँ, प्रकट हूँ। हे माँ, इस समय देवी माँ की बात मानकर इसका नाम लाल गुलाब धरती हूँ, और आज से इसे घनाघोर जंगल में इसे लालन पालन करूंगी। उसका उम्र 7 बरस हो गया, ना जाने किधर चले जाता है खेलने कूदने के लिए। अरे ओ मेरे पुत्र लाल गुलाम, माँ कहाँ हूँ, मेरे पास से आओ। ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ।
हमारी माँ घनाघोर जंगल में बैठकर असरा चोरी है। मैं चलकर स्वयं माता से मुलाकात करता हूँ। हेलो माँ, ये बताओ मेरी लाल कि इस घनाघोर जंगल में तुम किधर चले जाती हो? मुझे डर लगता है कि कहीं जंगली शिकार तुझे कुछ कर ना बैठे, इसलिए तुम बिना पूछे हमसे कहीं जाया मत करो। ठीक है माँ, लेकिन माँ। लेकिन क्या? मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ माँ, अगर आपको इजाजत हो, अनुमति हो माँ, तो मैं कह सुनाता हूँ माँ। सुनो, क्या चीज का लालसा है? कौन चीज का? बताओ, बताओ। क्या चीज का लालसा है? कौन चीज का? बताओ। अच्छा, मेरे दिल में सुख हुआ है माँ कि
कि मैं किसी किला में जाकर लोहा लड़ाता माँ। लोहा लड़ाने की बात करते हो? हाँ सुनो सुनो, बाली पनुमरिया बेटा रे माँ अब रहले तोहरा के। रहले तोहरा के माँ हो हे बेटा आहो बाली पनु मरिया मेरी लाल माँ बाली पन उम्र है तेरा, अभी बच्चे हो, मुंह में दूध का धार ही जाता है और लोहा लड़ाने की बात करते हो, ये सब बात सुहा नहीं देता। चलो मैं खाना लगाती हूँ। माँ जब तेरे इजाजत देने से इनकार करती हो माँ तो सुनो मैं क्या कहता हूँ। बनाई जा जाता जी माता आजी घोरा जंगला ने दे बनाई जा जज माता पुत्र, ऐसा बात अपने लफ्ज से कभी भी निकालना। एक तू ही मेरे जीने का सहारा हो और मरने की बात करते हो, ऐसा दोबारा मत बोलना। ठीक है, तुम्हें लोहा लड़ाना है? हाँ माँ। तो इस समय पहला वीर राज बनारस में जिनका नाम ताला सैयद है, और अगर वहां से तुम्हें मन नहीं भरे तो दूसरा वीर राज सिरसा में जिनका नाम बिरमल खान है, अगर उनसे मन ना भरे तो तीसरा वीर राज मोहब्बा में, जो कि वहां वीरों का कोई कमी नहीं। ठीक है माँ, लेकिन जाते समय एक सवाल है माँ। सुनो माँ,
आज बड़ी जोर से भूखा बाजी माता, आज लगल है जंगल में, मैं दो घोट दूध पिला देता माँ। अच्छा तुम्हें भूख लगा है, तो भूख लगा है तो तुम उछाल क्यों कर क्यों कर रहे हो रे? चुपचाप अपनी माँ से बोलता। ठीक है माँ, आओ आओ। अरे ये बेटा आदत खराब हो, एगो में पिया है एगो में टोबा है, कल से नीम के पत्ता लगा ले। ठीक हो जो? ठीक है माँ, मैं जाऊँ। खुशी रहो। हेलो हेलो, कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, कि मर जाएंगे और क्या करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे सबसे पहले लोहा लानी, तेने राज बनारस चल जाना। तो अब मैं चलता हूँ राज बनारस में और चलकर सेहत करूँगा। ओहो हो, हमें तो पता नहीं कि कौन ऐसा राज्य में आ गया हो। अच्छा, इस राजाओं में कोई नौकर पर आए तो जरूर होंगे, मैं उन्हें बोला करता हूँ।
इस राज्य में कोई है या नहीं? है, कौन है? गेट से बाहर है। क्या बात है? ये बतलाइए कि कौन ऐसा राज है? ये बनारस है। बनारस? क्या राज बनारस यही है? यही राज बनारस है। ओहो, यहाँ का राजा को क्या नाम है? यहाँ का राजा का नाम ताला सैयद है। बाहरी बा, मैं तो अच्छा पर्चे पर मैं पहुँच गया हूँ। क्या बात है? तो राजन को जाकर कह दीजिए अपना राजा ताला सैयद जी को, अच्छा, कि एक बच्चा राज बनारस में लोहल ला निकल आया है। राजा ताला सैयद से? हाँ। तुम लड़ोगे? हाँ मैं लड़ूंगा। आ तोरा बहे, तोरा पता न हो कि ताला सैयद कैसा आदमी है? कैसा है? अरे तुम उसका हाथ से बच के नहीं जाएगा। वो तो वक्त नहीं बताएगा। ओ, इसका मतलब है तुम झूठ करेगा उसे। हाँ। मालिक द्वारपाल, एक बच्चा लड़का है। अच्छा? ओ कचहरी का गेट पर है। क्या कहना उस बच्चा को है? वो कह रहा है कि ताला सैयद से हम मुलाकात करेंगे और उनसे लोहा लड़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो गलत बोल रहा है। आज तक कोई माँ को लाल सुरमा पहना नहीं लिया, जो कि राज बनारस में कोई नाक दिखाया। वह बच्चा राज बनारस में लोहा लड़ाने के लिए नहीं आया है, बनारस में लोहा सीखने के लिए आया होगा। हो सकता है महाराज, लेकिन वो आप ही को इंतजार में। जाओ जाकर उसको दो चार हाथ है लोहा लकड़ी सिखा दो। जाओ, वो मान जाएगा हमसे। क्या बात है? एक काम करो, तुम यहाँ जूत करने के लिए आया है या लोहा सीखने के लिए? मैं जूत करने के लिए आया हूँ। अगर जो लोहा सीखने का इच्छा है तो ऐसा करो, तुमको दो चार हाथ हम सिखा देते हैं। नहीं नहीं, मैं लोहा सीखने के लिए नहीं आया हूँ, लोहा लड़ाने के लिए मैं राज बनारस में आया हूँ। यही अपना महतारी के जिक्र है। मालिक, वो हमसे झूठ करने के लिए तैयारी नहीं है। नहीं, वो सीधा कहता है कि हम ताला सैयद से लोहा लड़ाएंगे। ओ, अरे बच्चा उसको क्या पता है अभी? ठीक है बहादुर, सुनो, मैं मुलाकात जाके करूं। जाओ उसको बुला कर अदर के साथ है बंगले पर लेते आओ। जाओ, ठीक है मैं। अभी कोई और सूचना है? एक सूचना और है। कौन ऐसा सूचना? एक काम करो, हमारे महाराज जो है, अच्छा, वो अभी कचहरी पर बैठे हुए सिंहासन पर। अच्छा, तुम चलो मेरे साथ उसी जगह मुलाकात कर लो। ठीक है, चलो। चावस बेटा आओ। क्या बात है? यही है महाराज। क्या यही बच्चा है? बहादुर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है? क्या तेरे राज बनारस में आए हो? हाँ, सुन लो। अच्छा, आहो
सुनो क्या बात है, ये बतलाओ कि तुम्हारे किस किला में मकान पड़ता है और क्या तुम्हारे पिताजी को नाम है, क्या तुम्हारे नाम है और राज बनारस में किस कारण से तुम आए हो? ओहो, हमारा घर घनाघोर जंगल में पड़ता है। अच्छा, और मैं पिताजी को नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ को नाम लोग देवंती कहते हैं और हमें नाम लाल गुलाब कहकर पुकार करते हैं। और ये बतलाओ कि तेनी राज बनारस में किस कारण से आए हो? राज बनारस में मैं किस कारण से आया हूँ? हाँ। सुन लीजिए। अच्छा, लोहा लड़ाने के लिए आया हूँ। लोहा लड़ाने के लिए? हाँ। अरे लोहा लड़ाने का, लोहा लड़ाने के लिए आया हो? नहीं, लोहा लड़ाने के लिए आया हूँ। नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।